हाय फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय चैनल डीके लाइफ स्टडी। दोस्तों, आज हम बताने वाले हैं बिहार स्पेशल, जो कि बिहार की सभी एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न है फ्रेंड, बिहार और उड़ीसा का विभाजन कब हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1936 में, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, बिहार में डलमिया नगर किसके लिए प्रसिद्ध हैं? तो ये चमड़ा उद्योग के लिए प्रसिद्ध है फ्रेंड। अगला प्रश्न देखिए, बिहार में कोयले का अनुमानित भंडार है तो 16 करोड़ टन, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, पूर्व मध्य रेलवे क्षेत्र का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड, हाजीपुर में। अगला प्रश्न देखिए, किस फसल के उत्पादन में बिहार देश में अग्रणी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मखान। अगला प्रश्न देखिए, बिहार का शोक किसे कहा जाता है? तो ये कोसी नदी को कहा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, आम की वह प्रजाति जो केवल बिहार में ही उपजाई जाती है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सफेदा। अगला प्रश्न देखिए, बिहार में सबसे कम वर्षा वाला जिला कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड, औरंगाबाद। अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड, बिहार में सर्वाधिक वर्षा वाला जिला कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा किशनगंज। किशनगंज में सबसे अधिक वर्षा होता है फ्रेंड। अगला प्रश्न देखिए, बिहार में सबसे कम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा पूर्णिया। अगला प्रश्न देखिए, बिहार में सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रोहतास। अगला प्रश्न देखिए, बिहार में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला जिला कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गोपालगंज। अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड, बिहार में सबसे कम लिंग अनुपात वाला जिला कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मुंगेर। अगला प्रश्न देखिए, बिहार में बहने वाली नदियों में किसका उद्गम अमरकंटक में है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सोन नदी, याद रखिएगा सोन नदी। अगला प्रश्न देखिए, संपूर्ण बिहार राज्य स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मैदानी क्षेत्र में। अगला प्रश्न देखिए, बिहार में तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बरौनी में, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, बिहार की कौन सी नदी पर बहुदेशीय परियोजना का निर्माण कार्य किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड, कोसी नदी यानी कोसी नदी परियोजना पे। अगला प्रश्न देखिए, बिहार में 1857 की क्रांति के नेता कुंवर सिंह का देहांत कब हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 9 मई 1858 ईस्वी में, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड, बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र कौन सा था? तो बिरसा मुंडा का कार्य क्षेत्र रांची था फ्रेंड, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, स्वामी सहजानंद का संबंध किस क्षेत्र से था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बिहार के किसान आंदोलन सभा, बिहार के किसान आंदोलन सभा से सहजानंद का संबंध था फ्रेंड, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न।
अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र में किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त मौर्य ने। अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड, किस मुगल शासक ने सर्वप्रथम बिहार को अपना साम्राज्य में मिलाया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अकबर। अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड, पाटलिपुत्र के संस्थापक कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उदयन, याद रखिएगा पाटलिपुत्रा का। अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड, पाटलिपुत्र में स्थित चंद्रगुप्त का महल मुख्य बना था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा लकड़ी का महल था जो बना था। अगला प्रश्न देखिए, बिहार में सर्वाधिक लोकप्रिय सुल्तान कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड, याद रखिएगा शेरशाह सूरी, लोकप्रिय सुल्तान थे बिहार का शेरशाह सूरी। अगला प्रश्न देखिए, नालंदा विश्वविद्यालय का वैभव किसके हाथों नष्ट हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बख्तियार खिलजी के द्वारा नष्ट हुआ था। अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड, किस काल में बिहार की राजनीतिक शक्ति शैक्षिक एवं सांस्कृतिक गरिमा खंडित हुई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड मध्यकाल में, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, बिहार में सबसे बड़ा नगर है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पटना, सबसे बड़ा नगर है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो बिहार में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला है फ्रेंड शेखपुरा, याद रखिएगा ये क्वेश्चन बार बार एग्जाम में बीपीएससी में भी पूछा जाता है। अगला प्रश्न देखिए, बिहार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पटना, याद रखिएगा अगर कम पूछेगा तो शेखपुरा और सर्वाधिक पूछेगा तो पटना, याद रखिएगा फ्रेंड। अगला प्रश्न देखिए, बिहार में विश्वविद्यालयों की संख्या कितनी है? तो बिहार में विश्वविद्यालयों की संख्या 21 है, याद रखिएगा 21 है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, बिहार का अनुमंडल कितना है? बिहार का अनुमंडल यानी बिहार में कितना अनुमंडल है? तो याद रखिएगा बिहार में 101 अनुमंडल है। पटना को प्रांतीय राजधानी किसने बनाया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा शेरशाह ने प्रांतीय राजधानी बनाया था पटना को, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, मूल रूप से बिहार शब्द का अर्थ क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बौद्ध मठ। चलिए अगला देखते हैं, अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड, बिहार का मुगल साम्राज्य के प्रांत के रूप में गठन कब हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1580 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड, बिहार का पृथक प्रांत के रूप में गठन की मांग प्रस्तुत कब की गई है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1906 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड, बिहार में नमक सत्याग्रह कब आरंभ हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 15 अप्रैल 1930 को, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, बिहार विधानसभा में वर्तमान में कुल कितने सदस्य हैं? तो याद रखिएगा 243 वर्तमान में सदस्य हैं। अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना कब हुई थी? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड, देखिएगा बिहार पुलिस में पूछा गया था इसी बार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1916 में पटना उच्च न्यायालय का स्थापना हुई थी।
अगला प्रश्न देखिए, बिहार से लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 40। अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड, बिहार में राज्यसभा के की कुल कितनी सीटें हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 16 सीट, याद रखिएगा 16 है। अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड, पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य बना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 45.85, याद रखिएगा 45.85 है। अगला देखिए, किस देश की सीमा बिहार राज्य से जुड़ती है? किस देश की सीमा बिहार राज्य से जुड़ती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नेपाल। अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड, बिहार केसरी किसे संबोधित किया जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह को, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड, जगत नारायण लाल को किस जेल में भेजा गया था? वीवीआई प्रश्न है फ्रेंड, याद रखिएगा ये। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बांकीपुर जेल, बांकीपुर जेल पटना में ही है फ्रेंड, याद रखिएगा बांकीपुर जो जेल है पटना में ही है। अगला प्रश्न देखिए, रामचंद्र शर्मा किस गांव से थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा अमराह, अमराहा, याद रखिएगा अमराहा, अमराहा गांव से थे। अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड, जयप्रकाश नारायण किस पार्टी से संबंधित है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा समाजवादी पार्टी से। अगला प्रश्न देखिए, श्री नरसिंह नारायण क्या थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा समाजवादी थे वो। अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा चाणक्य, चंद्रगुप्त मौर्य के गुरु चाणक्य थे। अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड, बिहार में किसान आंदोलन के साथ कौन जुड़े थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा राजेंद्र प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद जी ने जुड़े थे। अगला प्रश्न देखिए, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी की पहली बैठक कहाँ हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड पटना में हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, बिहार में कितना जिला है? तो आप लोग जानते ही होंगे कि बिहार में 38 जिला है। अगला प्रश्न देखिए, बिहार में कितना प्रमंडल है? तो बिहार में 9 प्रमंडल है फ्रेंड, याद रखिएगा, बार बार एग्जाम में पूछ देता है ऐसा प्रश्न। तो चलिए अगला देखते हैं, बिहार का राजकीय पक्षी क्या है? तो बिहार का राजकीय पक्षी गोरैया है, याद रखिएगा फ्रेंड, गोरैया है बिहार का। अब भारत का आप लोग जानते ही होंगे कि मोर है। अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड, बिहार का राजकीय पशु क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड बैल। अगला प्रश्न देखिए, बिहार का राजकीय पशु क्या है? पुष्प, बिहार का राजकीय पुष्प, सॉरी पुष्प क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड गेंदा। अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड, बिहार का राजकीय वृक्ष क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पीपल, राजकीय वृक्ष है बिहार का। बिहार का राजकीय भाषा क्या है? तो हिंदी और उर्दू बिहार का राजकीय भाषा है फ्रेंड। अगला प्रश्न देखिए, बिहार का उच्च न्यायालय कहाँ है? तो बिहार का उच्च न्यायालय पटना में है फ्रेंड। अगला प्रश्न देखिए, बिहार की राजधानी कहाँ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा पटना। अगला देखिए, बिहार दिवस कब मनाई जाती है?
तो इसका सही आंसर हो जाएगा 22 मार्च को बिहार दिवस मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड, बिहार में सबसे ठंडा वाला जिला कौन सा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा फ्रेंड, बिहार में सबसे ठंडा जिला, एक गलत आंसर है फ्रेंड, यहाँ पे हो जाएगा बिहार में सबसे ठंडा जिला किशनगंज है फ्रेंड, याद रखिएगा, और गर्म जिला गया, गर्म जिला गया है, यहाँ पे मिस्टेक हो गया फ्रेंड ऑप्शन लिखने में, तो चलिए आप लोगों के बीच बता दिए हैं। अगला प्रश्न देखिए, 1857 की क्रांति के बिहार के नेता कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कुंवर सिंह, बिहार के नेता थे। बिहार बंगाल से कब पृथक हुआ था, यानी बिहार बंगाल से कब अलग हुआ था? तो 1912 ईस्वी में अलग हुआ था फ्रेंड, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए, बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन कब किया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा मार्च 1929 में, मार्च 1929 में किया गया था। अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड, बिहार में किसान सभा की स्थापना किनके द्वारा की गई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सहजानंद सरस्वती के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड, बिहार में किस स्थान पर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1922 का अधिवेशन हुआ था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गया, गया में हुआ था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड, बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बाबू महेश्वर प्रसाद, याद रखिएगा फ्रेंड, बाबू महेश्वर प्रसाद। अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड, बिहार सोशलिस्ट पार्टी की संस्थापक कौन थे? तो इसका सही आंसर हो जाएगा जयप्रकाश नारायण जी थे। अगला प्रश्न देखिए, जो लास्ट है फ्रेंड, तो चलिए देखते हैं, झारखंड बिहार से कब पृथक हुआ था, यानी झारखंड राज्य बिहार से कब अलग हुआ था? तो याद रखिएगा 15 नवंबर 2000 ईस्वी में। तो चलिए फ्रेंड, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।